मैना कैसेट।
घटके पर देखो रसना परिभाषा करो ते मई शुद्धि शब्द मुख बोली मुंडाल में दाती मां जिसने धोखे छेती से और मैं सेवक तो बाबा मेरी इज्जत तेरे आती मन सुमर लिए जगदी श्री पाले राम सतगुरु मिले तो गऊ चरनी निवा के शीस हे जी मां सरस्वती एक बार बोलिए सलाह करके गौ माता की अरे धमाके आजी तू क्या तो नहीं बोलता आई बढ़िया बोलू आई बढ़िया और नवगति लांडी छोटा है ईब का जो ना बोला वो ये बात के वो अपनी बहू का बेटा अपनी बहू का बेटा हाँ अच्छा किसी का बेटा बहू ना हो वो मेरा बोलो बोलिए सरदा करके गौ माता की सरदा करके गौ माता की सरदा करके गौ माता की प्रेमी सज्जनों के सामने सांग पेश किया जाता है खांडेरावपुरी विक्रमाजीत उज्जैन शहर के अंदर महाराज कंदर्प सेन राज्य किया करते थे जिनके यहां दो लड़के थे बड़े का नाम भर्तरी और छोटे का नाम विक्रमा जिस वक्त विक्रमा जोग ले लेते हैं भर्तरी हरि ने जोग ले लिया और विक्रमा जब राजगद्दी को संभालते तो चार वीर जीत लिए जाते हैं ताल बेताल यशपाल और महिपाल चार वीर जीतने से विक्रमाजीत नाम पड़ा तो एक बार कुछ एक हंसों की लड़ाई मानसरोवर ताल से हो जाती है उन हंसों ने जब यह सुना वरुण देवता ने कहा कि तुम मेरे अंदर रहते हो मेरे अंदर खाते पीते हो और मेरे ही अंदर टट्टी पेशाब करते जाइए तुम्हारे को 12 साल का दिसोटा दे अपना दिसोटा पूर्ण करने के लिए राजा वीर विक्रमाजीत के बागों में आ जाते हैं माली से मुलाकात हुई माली के सामने प्रार्थना की श्रीमान जी नमस्कार नमस्कार श्रीमान जी नमस्कार नमस्कार मैंने कहा नारायण नमस्कार नमस्कार कौन हो भाई हम हैं हंस कहाँ से आए हो हम मानसरोवर ताल से आए फिर आपका मतलब क्या है वरुण देवता ने हमें अनबिन मोती देना बंद कर दिया अच्छा। और 12 साल का दिसोटा दिया है फिर भीड़ पड़ी में आपकी शरण में आए हैं महाराज भाई साहब आप ये समझते होंगे के इस बागीचे के मालिक हम हैं और कौन है मैं नहीं हूँ और कौन है महाराज वीर विक्रमाजीत है तो आप कौन हो मैं तो बथुआ पहाड़ हूँ देखिए भाई साहब हाँ आप एक काम करो आपके महाराज से हमें मिलवा दो अच्छा आप एक काम करो क्या आप यहाँ रुको मैं महाराज के पास जाता हूँ ठीक है ऑर्डर लेकर आता हूँ जब आपको ले जाऊंगा ठीक है जल्दी यहाँ बैठ जाओ महाराज राम राम अरे मारी हाँ महाराज कैसे आए महाराज हमारे बगीचे में मारे हम दौड़े दौड़े है दौड़े दौड़े मैं के कह रहे हूं मैं दौड़े दौड़े हंस हाँ हमारे बगीचे में रुकना चाहते हैं आपके पास रुकना चाहते हैं हाँ। तो ले आओ उनको आपके पास ले आओ यहाँ ले आओ अच्छा दरबार के अंदर ठीक है अरे क्या बात है आप कैसे बोलते हो जानवर कहते हैं और हम जानवर भी नहीं और मैं हंस है हमें प्यार से बोलो अदब से बोलो अच्छा जी आपके महाराज ने हमें बुलाया बुलाए तो चलिए चलो चलो जी महाराज नमस्कार महाराज नमस्कार नमस्कार महाराज हम हंस है हंस
हम मानसरोवर साल से आए हैं। अच्छा भाई, वरुण देवता ने हमें अनबिन मुक्ति देना बंद कर दिया। ठीक है, 12 साल का जो छोटा दे दिया महाराज। अच्छा, भीड़ पड़ी में आपकी शरण में आए हैं महाराज। ओए महाराज, हम आपके पास रुकना चाहते हैं। भाई मैं तो इतना बड़ा तो राजा नहीं हूँ, मेरी शरण में कैसे आए हो? देखिए महाराज, आप डटो या ना डटो, हमारी दुख की दो बात सुन लो। दुख की बात? दुख क्या है तुम्हें? हमारी बात सुनो, एक बार बोलिए आप। ताराले छतरी नाटिए मतना तेरी शरण में ओ ओ ओ।
परमेश्वर का वचन करा कर दो बकता सुबह शाम और कदे न कदे ते मुड़े सुनेंगे सिद्ध हो सारे का मोती। अच्छा एक अंश की कितनी खुराक है? पाव भर। पाव भर जी हाँ। और इन बच्चों की इनका क्या जिक्र है महाराज? ये खाओ मेरे पिटर 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 पिटर। चलो भाई मारी हाँ। इनको वहाँ ले जाओ। कित गड़गोई में ले जाओ। गड़गोई में कित ले जाएगा? इनको माँ बागो में ले जाओ। अच्छा के करूँ मैं इनको? मोरसपी कनी मणि। अच्छा इन्हें गुड़ बाजरा खुवा दू तो। चलो भाई। अरे पागल गुड़ बाजरा नहीं खाते हम परमहंस से। अच्छा हम बगैर बिंधा हुआ मोती खाते हैं। चलो भी भाई चलो चलो चलो, चलो। वे हंस रहने लग जाते हैं। हंसों को रहते से 11 साल और 11 महीने व्यतीत हो जाते हैं। जब एक महीना बाकी रहा तो राजा वीर विक्रमाजीत के पास जाकर के और प्रार्थना करते हैं। महाराज नमस्कार। नमस्कार महाराज। नमस्कार। आओ हंसो। महाराज कैसे आए हो? महाराज हमें आपके पास रहती हुई 11 साल और 11 महीने हो चुके हैं। ठीक है आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब हम अपने वतन को जाना चाहते हैं महाराज। अरे तुम्हारे बिगड़े हमारा दिल कैसे लगेगा? कोई बात नहीं महाराज फिर आ जाएंगे फागुन के महीने में। देखिए महाराज एक महीना बकाया है हमें चलते चलते वो जगह। आपकी कुछ बड़ाई भी करना चाहते हैं। क्या सुनाइए आप। ओ वीर विक्रमा तू भी मारे और मान सरोवर कैसा था We'll be right back.
कैसे लगेगा? सुनो महाराज हमारी बात। और हमारी आत्मा हमारी आत्मा धुआ देगी पुण देगा मेरी बातों का जवाब दीजिए। हाँ पूछिए हम जवाब। क्या आप विश्व भी इसके बारे में बताएंगे? जानते हैं और बड़े से बड़ा मानते भी हैं। एक एक होता है ओम, दो दो जमीन आसमान, तीन तीन लोक, चार चार वेद, पांच पांच तत्व, छह छह शास्त्र, सात सात दीप, आठ आठ वसु, नौ नौ खंड, दस दस इंद्री, ग्यारह ग्यारह रुद्र, बारह बारह सूर्य, तेरह तेरह रतन, चौदह चौदह भवन, पंद्रह पंद्रह तिथि, सोलह सोलह सिंगार, सत्रह सत्रह विषय, अट्ठारह अट्ठारह पुराण, उन्नीस उन्नीस उपनिषद और बीस बीसवे नाम भगवान जिनकी चार चार कलाएं होती है। तो ठीक है, अरे किस दाल रोटी हमारा ये तुम्हारा मालिक हंस लगता है। हंस मैं तुम्हारे एक हंसली को पकड़ता हूँ। इसलिए ना खुश है, इसका दाल रोटी ला कर खाऊंगा महाराज। हम तो ठीक है, जो ऐसा विश्व देश होगा तुम्हारी हंसली को ले जाएगा। तुम लोग भाई जाओ यहाँ से। आए महाराज छोड़ दे,
जावा ही बामे। इसको छोड़ दो महाराज। नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ा जाएगा। इन्ना मैं तो रहा मैं तो पकड़ ले। नहीं नहीं हमारे को भी यही चाहिए। अच्छा हाँ। फिर किसके पास जावा हम? जो भी इसमें भी है वो संजय को छुटा कर ले जाएगा। तुम लोग भाई जाए यहां से। तो प्रेमी सुनो, इंद्र महाराज ने हंसनी को पकड़ लिया। तुम्हें हंस रोते बिलखते हुए राजा वीर विक्रमाजीत के पास पहुंचते हैं। दो आई हो महाराज की, ती आई हो, चौथाई हो, छमाई हो महाराज की। अरे हंसो महाराज, ऐसे कैसे बोलते हो यार? महाराज हम आपकी उपमा बड़ाई करते हुए जा रहे थे इंद्र महाराज के। आप तो आप अभी गए थे यहाँ से? हाँ जी, इंद्र महाराज ने हमारी अंशनी खोज ली, वो अंशनी छुटा कर ले आओ। तो भाई ठीक है। हाँ। आपकी अंशनी हाँ। मिल गई तो मैं उस जैन शहर में शिकल दिखाऊंगा। हाँ। नहीं तो मैं तुम्हारे को शिकल नहीं दिखाऊंगा। महाराज आपके कुछ नेम टेम है? मेरे नेम टेम सुनो आप। नहीं रे फिरूंगा ए रे सदा रे अगे न कदम धरूंगा ए रे गहरा के दुख तुझे करूंगा। मैं इड़े की डले यमती रहूंगा जीवू दारी तने रे
सुल्पा पिया करो नहीं भाई दारू नहीं फी में कोई भी नशा नहीं करता मैं कुछ भी नहीं हाँ और क्या करें करो मेरी बात सुन सुना ए रे सुल्पा दारू रे पी डुलो ना और खा कर फी में बना चुलो ना तो प्रेमी सुनो वो राजा वीर विक्रमाजीत उन हंसों से वादा करके और वहां से चल देते हैं। चलते हुए कहा एक तामोल नगरी में पहुंच जाते हैं। एक सराय के सामने गए तो क्या देखते हैं एक भटियारी अपने बेटे ने नुहान लाग रही और उसके साथ साथ रोन लाग रही। तो वीर विक्रमाजीत उस आवाज को सुनते हैं और क्या बातचीत होती है आपसे। हाँ माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। बेटा कुछ खाना हो खा ले। ठीक है। पीना हो पी ले बेटा, नहाना हो नाले, फिर तुझे किले की भेंट में जाना है मेरे बेटा। ठीक है। और मेरी बात सुनिए। ठीक है माता जी। और पकड़ पाड़ जा और रोवन लागी बेटे की ओली भर के ओरी आज कबर तन जाना होगा धर्मराज अपने परमेश्वर के
पाप का बंस मिटा चला। Yeah.
कहना हो पीले बेटे। हाँ बहन। अरे मुझको क्या नहीं को बहन वाले बहन कहने वाला तू कौन है भाई? तुम क्यों रोती हो? ये लड़का सजा क्या है? क्या इसकी शादी है? नहीं 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 भाई, इसकी शादी नहीं, इसकी बर्बादी है मेरे भाई। और क्या है ये रोने का कारण क्या है भाई? इस रोने का कारण बहुत टेढ़ा है, ये तामोल नगरी है। अच्छा। यहाँ की राजा साम धाम है। ठीक है। उनकी एक लड़की है। अच्छा। उस लड़की के पेट में सांप है भाई। ठीक है। राजा ने शहर से बाहर एक किला बनवा रखा। अच्छा। और उस लड़की को उस किले में रखवा रखा है। अच्छा। अब वो रोजाना महाराज, ऐसी क्या बात है उस लड़की के अंदर? राजा श्याम धाम रोजाना एक आदमी शहर से लेते हैं और किले में फिट करवाते हैं, वो रोजाना एक भेंट देते हैं भाई। 12 साल पहले मेरे बेटे के बाप का नंबर था और 12 साल के बाद में आज इसका नंबर है। मेरे पास यही है भाई। अब है मेरी बात सुन। सुनाइए भाई। ए तू रोवने वाली क्यों रोवे? एके कार्य तो नहीं हुआ है? ना 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 भाई, कुछ नहीं हुआ। कहीं से कोई चिट्ठी आई हो? ये बताइए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। Yeah।
कठियारी भाई बहन को तू इस तरह विलाप करती है, क्या सिर पर कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है घर में? भाई बताई जितनी तुमने बीमारी बताई ना, हाँ, और जितनी तकलीफ बताई, हाँ, इन मत एक भी कोना इन बीमारियों की दुखिया नहीं है तू? ना 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 ना, ले मेरी बात सुनिए। सुबक सुबक कहे क्यों रोवे के सर पे खसम गुसाई ना स्वीकार किया है। सच्चाई कह देने में कोई दोष नहीं हुआ करता। अब तू क्या करेगा? मेरी बात सुनिए। सच्ची सच्ची कह दे छोरी काम नहीं शरमाने का ये सारा दे दे बता दू छोरी मेहमान से थोड़ी सच्ची सच्ची कह दे छोरी काम नहीं शरमाने का एक डर के बदले सिर कटवा लू मैं सुमन से ठकाने का खोल कभेद बता देने के पाप मर्या से ये याने का फिर सांग सीख लिया ए मोटर चलाई मेरी फिर सांग सीख लिया चल के मैं
जो भी तन्ने जितनी बात कही हाँ एक भी तकलीफ मेरे को ना एक भी तकलीफ नहीं है नहीं और क्या तकलीफ है भाई इसको देखता है तू हाँ ये मेरा बेटा है ये आपका पुत्र है और ये तामोल नगरी है अच्छा यहाँ के राजा श्याम धाम है अच्छा उनके यहाँ एक लड़की है एक लड़की है उस लड़की के पेट में सांप है हाय छोरी और छोरी के पेट में सांप हाँ भाई हाय छोरी सके वो नाक की बूंदी है भाई हाँ जब छोटी सी थी ना अच्छा पानी के या दूध के जरिए वो किसी कारण हाँ किसी कारण से वो पेट में चला गया हाँ भाई वो लाइलाज होगी अच्छा इब शहर में तेरो जाना वो सांप एक भेंट ले से अच्छा भाई 12 साल पहले में इसका बाप गया तारीब आज इसका नंबर है भाई मेरा थे एकला है ए छोरी बेबे रोवा मत अपने छोरे ने सुतरी त्रिया नुआ धुआ खुआर सुआ दे उस राजा की कोई शर्त भी है सूखा है मन शर्त है भाई के शर्त जब उस छोरी की बीमारी न कटे हाँ राज और उस छोरी का ढोला एक बात समय बे हाँ राजा की शर्त बहुत बिटिया बेबे एक काम करे ले मेरी बात सुने पहले तो तुम ना रोटी खुआ अच्छा और तने की इतनी बढ़िया बात बताऊंगा सुनेगी ध्यान ते हाँ बिल्कुल मैं क्या करूंगा अपनी बहन के लिए आए वह छोरी की सीख से वह छोरी हाँ छोरी मैं बताऊंगा अच्छा हाँ इस ताऊ ने देख ले रू छोरी ने देख ले फिर तो खाम खाई जूती तोड़वानी है ना ना रे भाई जीव छोटी सी देखी थी मन जीवते थी वह सुतरी अच्छा और इब शायद जहर के नशे में काली भी हो रही अच्छा फिर वह अपने घर आकर मुझसे ही कर लेंगे उन्हें लिल साहब बर्तन आऊंगे अपने आप ही नहीं धोनी निकल जाएगी तो बहन सुनिए मेरी बात मैं तेरे लिए क्या करूं ये करेगा मेरी खातिर लबता ए मां तेरे बेटे की ए जान बचा दूं ते मेरा धर्म का भाई मेरा मामा सुन ले ए बेबे हाँ तू तो चाहे भाई लाख बको हाँ पर ये इसकी वार नहीं खटाओगी जो इसने कही है ना रे भाई हाँ माँ का भाई मामा हो से ते मेरा छोरा नेक सिर बोला ना बेबे सारी आन मैं नहीं करा रही आदि में फूफा भी करनी चाहिए फूफा भी हाँ तो करवावेगा जरूर जरूर ले बेटे एक बार ना फूफा कह दे ना ब्रह्मा मन नहीं बेरा फूफा के हो से अरे फुफरी का दो हो से ठीक से बेबे ठीक से सारी बात कह देगा पहले इसकी जान तो बचा तू नहीं सुनता ए मर के बेटे की ए जान बचा दू ए नाम रहे जा तेरा हे रोकूंगी के देगा भाई मेरे ते ना बहुत ऊंची चीज तने देगा बिजली का खंभा बैठ जा
जिसी कसूती विप्त पड़े उसी मदद करने मेरी बात सुने थोड़ी Yeah.
खुद जाना पड़ेगा। अरे तन्ना प्रोट होगी पड़ रही। हाँ। मेरा छोरा बेट में जान लग रहा। हाँ। भाई संतरी आना आला हो रहा। संतरी। हाँ। बेबे एक काम करता है। तुमने तो दो रोटी खुआ और मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूँ। जब वो संतरी आओ जब तुमने जगा दिए और फिर देखिए अपने भाई के हाथ। ठीक है भाई तू आराम कर रोटी खुआ दो तेरे। संतरी आना हो रहा है। हाँ। संतरी महाराज अब तक भठियारी न्याय क्या बात है। हाँ ठीक है महाराज 12 बजे का टाइम दिया था 13 का घंटा लटकन लाया क्या अब जाऊं जाओ अच्छा जी तो मैं जाता हूं महाराज ओ बठियारी उल्लू की पट्टी अरे भाई राम 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 भाई तू आ गया आ गया लड़का किले की भेंट में भेजा आपने 12 बजे का टाइम दिया था भाई मेरे एक लड़का था फिर मैं क्या करूं मैं नुहारी थी नुहारी थी उन्हें उसके लाड कर रही थी ठीक है भाई इब लेके आ जाऊंगी अरे एक मिनट सुन जा मैं तेरी खातर चाय बना दूं ना ना मैं पिया करता चाय भाई और अपने लड़के ना लाओ हथकड़ी लगवाओ और जल्दी किले के भेज में चलो ना 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 मैं तेरी खातर चाय बना के लाऊं सूप अरे भाई वो आ रहा संतरी ए भठियारी हां राजा ने अपना सिपाही भेज दिया हां कहाँ है वो बाहर खड़ा बहन तू बैठ मुझसे बात करता हूँ कर भाई छोड़ दी आए संतरी क्या बात है क्या करने के लिए आए हो लड़के को लेने के लिए आए हैं अरे नाला खराब जा तो तुम्हारे को इतना भी क्या नहीं किसी के यहाँ एक है या बिल्कुल नहीं है बाढ़ लगा लिया चाहे अगले 50 हो चाहे एक हो हमने तो ये काम जरूरी करना है इस किले की बैठ में जरूरी जाना है लड़का जरूरी जाना है हाँ जी तो जाइए ये लड़का नहीं जा सकता संतरी हाँ महाराज आई नहीं भठियारी भठियारी मेरी पूंजी निकाल बंदी नहीं से महाराज थोड़ा डांट से काम लो वहां तो पता ना कौन है एक और पड़ रहा है छो मावा है दत्ते ही साथ थोड़े आकड़ के जाओ कदे आकड़े आकड़े रह जा मैं डांट से काम लो जाओ मैंने फिर जाओ मैंने बोतल की बोतल फोड़ गई जाओ फिर जाओ तो एक बार अच्छा जी ओ भठियारी भाई फिर आ गया तू हाँ जी अरे करड़ा है बेशरम से हाँ और क्या लेके जागा जमा ले तेरी खातिर का ठंडा लाऊंगी अच्छा वो भी 5 रुपया वाला ठीक है भाई रे वो फिर आ गया कसूता बेशरम से बेबे वैसे मैंने गलती की है राजा के सिपाही पीट दिए राजा के पास सिपाहियों का तोड़ा नहीं हुआ करता मेरी समझ में एक बात और है इस अपने लड़के ने लेकर उड़े राजा के घर चला ठीक है वहां राजा के सामने चल के बात होगी चलो जल्दी करो बस आओ जल्दी कराओ महाराज राम 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 ये आ गई है भठियारी आगी ये लड़का रहा महाराज मैं फिर दोबारा तुम्हारी से विनती करती हूँ मेरे बेटे की जान बचा दीजिए महाराज मेरे बेटे की जान बचा दी संतरी महाराज चल इसका रिमांड ले ठीक है मेरे सासू ननद ओ जेठानी को और बेटे पैदल तोड़ू सू हम क्या करें और मेरे बेटे की
प्यार बचा दे मैं भूप खड़ी ही कर दो खड़िया या से नहीं होना बिचार तेरे को नहीं करेगा आपका लड़का जरूर इसी लड़की बेड में जाएगा बेलबुनी मैं पूरे संसार की बेलबुनी मेरे बेटे की जान आप खड़ी हो जाओ मेरे मत एक किसे लाल दिए और एक लाल भी देते मत मोरे सर भी मार दिए और बारह साल हुई रांड हुई ने मैं काट बतेरे साल दिए और मेरे बेटे के बदले महाराज आज और किसे ने गाल दिए और तू जाने के मैं जानू
लेकिन जो ऑर्डर है जो ऑर्डर है, आपका लड़का किले के बेड में जरूर जाएगा। मेरा बेटा नहीं बचा है। बिल्कुल ही पिता, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। बिल्कुल ही है माता जी, आप पुत्र के वियोग में और इस राजा से मेरी जान की भिक्षा मांगती हैं? हाँ बेटा। अरे इस दुनिया में बड़े बड़े योद्धा होकर चले गए, और मेरी बात सुन। हेरी मत ना रोवे जननी सबने, हेरी एक बारी मरना से, हेरी जित राजा न्याय हो उड़े जी करके धरती परत चले गए, महल बावड़ी बाग बावड़ी धरती पर से हेरी चक्कर बहू से चले गए। सच्चाई पे तूने चक्कर में
हाँ ठीक है, और बाहर का कोई भी आकर मर गया हो ठीक है, तो इस लड़की के बदले मैं जाना चाहता हूँ। चलो लगाओ मछकड़ी। हाँ लगाओ। अच्छा है भाई साहब। हाँ संतरी। क्या आ गया? क्या आ गया? किले की कून आ गई। किले की कून? हाँ। अरे आ गया दरवाजा। दरवाजा? हाँ। कहाँ है? ये रहा। और यू से ताला भाई। अच्छा ये की ताली? इसका ताली या लगेगी। कौन सी? या ले रहा तू? तेरे आली की मेरे आली? या है, मेरा आली लग जाएगी। अच्छा ताली भी इसका पड़े फड़े का लग गया करा। अच्छा ले लात खड़ी दे, बढ़ जा अंदर। सजरो उस लड़की के पेट में से वो सर्प निकलकर बाहर आता है और वीर विक्रमाजीत उस सांप को मार देता है और उस सांप के चार टुकड़े बना के वो वीर विक्रमाजीत लौट जाता है। और आगे का हाल अब सुनिए। ए भगवान मेरी बीमारी किसने काटी? जिसका मौका लग जाओ ए काट दे। ओहो के ब्रह्मा आगे के विष्णु आगे, मेरे लिए तो भगवान आगे। महाराज जी सुने के ओ उठ ले ना, ओ मी आ गया। ओरे सोवणिया रे जाग जा तेरे सिर पे यादी रात के तबोल पड़ना पागल की हाथी। ओरे मन में तरसे ना जागगी सती के माँ लागगी मेरे बनिए आड़ी लाद के तबोल पड़ना पकड़ूंगी ओड़ी हल्ला बीजा ता नहीं सा नहीं मेरे इसी ओ खाल दिसनात के तबोल लेके मजे पूतने मैं ई पे सो पजूंगी बात के तबोल पड़ना और पकड़ूंगी हाथी। दे दो, डोले की मुझे जरूरत नहीं है। डोला मैं ले लूंगा।
महाराज मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे पिताजी के पास चलो। अब कहाँ चलना है? मेरे पिताजी के पास चलो। चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आए। हाँ आइए बेबे। आए तेरी कटगी में मारी। आइए मेरी बेबे। आए कटगी में मारी। बेबे मेरी बीमारी तो कटगी। आए किसने काटी? बेबे मेरी बीमारी काटी इसने तेरे जीजा ने। सही बीमारी काटने आ गई हो रे। मेरी तो जब काट दी सुना। काट दी और ठीक सही मौज करो भी। आए रो वाड़े मारा। मेरी बात सुने के जाऊ मैं पिताजी। आइए छोरी। पिताजी राम राम। राम राम। आए के कटगी बीमारी? हाँ किसने काट दी? पिताजी मेरी बीमारी काटी इसने। ठीक है ये एक काम करो ये आधा रात पाट और डोला थ्रा दे दिया इस तरी अपना रंग लियो ऐस लियो बहुत लियो चाहिए। ठीक है पिता मेरी बात सुनो महाराज। हाँ। मैं कहूँ थी ने मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। ये भी एक काम करे चाला चकर ना जी चलो मेरी बात सुन रतन कौर। हाँ महाराज। मारी तेरी शादी हो चुकी है। होगी। अब मेरी बात सुन मैं कहीं सैर करने के लिए जाऊंगा। महाराज मेरी बात सुनो। हाँ। देखे तेरा मेरा ब्याह होया सर नया नया। अच्छा हर चीज का नया नया ब्याह होया करे ना। ठीक है वीर बने छोड़ के किते नहीं जाया करते। मेरी बात सुन वो बातें जीते सब ठीक होगी। अब मैं सैर करने के लिए जाऊंगा। मेरी बात सुनी बना जावे ना ले कपड़े बदल ले रोटी खा ले मैं चाय बना दूंगी। नहीं मैंने घूमने का शौक है। रेण देना ना मैं बिल्कुल जाऊंगा। जाओगे? हाँ। तो महाराज मेरी बात सुनो। हाँ। आप न्यून चले जाना। अच्छा और न्यून चले जाना। ठीक है और न्यून चले जाना। ठीक है पर न्यून मत ना दिए। न्यून केस है? न्यून प्रेशन आया का कैंप लाग रहा है। ठीक है महाराज जल्दी आना। ठीक है। ठीक है ना राजा वीर विक्रमाजीत रतन कौर के कहने के मुताबिक जिस दिशा में जाने के लिए रोक दिया था उसी दिशा के अंदर चले जाते हैं तो रास्ता विचलित हो जाते हैं तो सामने लगाते हैं एक पीले से मकान पर एक नौजवान बहुत सुंदरी लड़की अपने केस सुखाने लग रही ऊपर की तरफ ध्यान हो जाता है और लड़की से बातचीत करता है। ए लड़की क्या मतलब है? ये रास्ता आगे की तरफ निकल जाएगा। ये नहीं मालूम। क्यों क्यों क्या आप यहाँ की नहीं हो? हूँ मैं यहाँ की। मेरा परिचय नहीं पता आपको? मैं नहीं जानती कौन है तू। मेरी बात सुन। क्या है? मैं यहाँ का दामाद हूँ। दामाद तू वो एक जी ने कल शाम मारा है? हाँ। फिर धरती थोती कर चल लेने। ए बदतमीज लड़की कैसे बोल रही हो? मैं किधी हूँ चल 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 यहाँ से। कैसे बोल रही हो तुम? मैं कहता हूँ क्यों? मैं कहता हूँ क्यों 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 मैं किधी हूँ जा 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 यहाँ से। मैं कहता हूँ ना 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 ना। बड़े बेशरम है जाता नहीं। कैसे बोल रही हो? मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। मैं क्या करती हूँ तेरे जैसों के साथ? क्या करती है? मेरी बात सुनिए। बटे ऊ मुरखी
जीत उस खंडेरावपुरी के साथ लड़ झगड़ के उसका सारा नाम पता पूछ के और अपने महल के अंदर जाता है और रतनकोर से आपस में बातचीत होती है, कैसे भला? ओहो, आज तो मारा मान से नहीं आया। ओहो, ओ महाराज, आइए महाराज। राम राम। राम राम। महाराज जी, आज तक किद पड़ गया था तू? आज तेरे रतनकोर। हां, एक बात ऐसी हुई। की हो गया? मेरी बात सुने, तू देखे पसीना पसीना। मेरी बात सुन, जहाँ से तू मना कर रही थी ना, मैं वहाँ पहुँच गया। कितने गए आप? जहाँ से आपने मना किया था ना, मैं उसी खूट में पहुँच गया। तो क्या हुआ महाराज फिर? वो ऊंची ऊंची हवेली किसकी है? वो तो खंडेरावपुरी की है महाराज। खंडेरावपुरी की? उसने कुछ कह तो नहीं दिया आपसे? मेरी बात सुन रतनकोर। हाँ, मैं तो तेरे कैसी भीर बानी नहीं मानूंगा, तू मेरा एक काम करवा देगी? के? एक बात बता दे महाराज, जो उसने कि मैं कह दिया हो तो मैं पे लड़काऊंगी, मेरी सौ के लिए। मेरी बात सुन। हाँ, वो कौन है? वाह, खंडेराव प्री है जी। तो नू कल उसके साथ मेरी शादी करवा दे। तेरी शादी उसके साथ करवा दू, मेरा क्या होगा? तेरी एसटीडी की दुकान करवा दूंगा। मेरी बात सुनो। हाँ, उसके पिता ने कहकर और मेरा और उसका पुर्जा फिट करवा दे। महाराज मेरी बात सुने, देखे एक आदमी के दो लुगाई नहीं हो सकती, मेरी बात सुन। वाह पाछा तू मेरी गौर नहीं करेगा कती भी। अरे तेरे नौकरी कब सुन रहे? तैयार करवा दू तो शादी, ठीक है पिताजी? हाँ बेटी रतनकोर। पिताजी नमस्कार। नमस्कार, मेरे को क्यों याद किया? पिताजी मेरी बात सुनो। सुना। जो आपका दामाद है ना, हाँ? वो ये कहता है, हाँ? जो खंडेरावपुरी लड़की है, हाँ? उसके साथ उसकी शादी होनी चाहिए, ना तो बाबू मन भी जोड़ देगा। बेटी ऐसा है, कोई बात नहीं, इसने तमाम शहर की बीमारी दूर कर दी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज आप जल्दी से शादी करवा दो। ठीक है, मैं नथुरा और राजपूत को बुलाता हूँ। ठीक है। ओ नथुरा। महाराज राम राम। राम राम भाई। हाँ, एक बात बताओगा? बोलो जी। आप मेरे साथी हैं? हाँ जी। अच्छे साथी हैं। ठीक, एक बात बता। बोल भाई। हाँ, तेरे पास कोई लड़की है? महाराज कोई नहीं लड़िया। कोई छोरी है? ना कोई छो, मैं भी ना आया। छो मैं भी नहीं आया। हाँ, आपको इस बात का मालूम है आप कहाँ खड़े हुए हैं? मेरा है दरबार में खड़े हैं। मेरे स्वभाव को जानते हैं आप? हाँ। तो एक बात सुन ले। बोलो क्या मतलब आपका? मेरा मतलब यो है, हाँ? जिसने तमाम शहर की बीमारी को दूर कर दिया। अच्छा जी, आप अपनी लड़की की शादी मेरे दामाद के साथ कर दे। मेरी लड़की खंडेरावपुरी, हाँ? की शादी तेरे दामाद के लिए कर दू। हाँ, तेरे दामाद ने जोड़ में कटवा देना महेश खसे। जरा हौस में होकर बात कर। क्या ये काम एक घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो तमाम जन बच्चा को लूमा कटवा दूंगा, इस बात नहीं आता। आप राजा हो? हाँ, राजा। हम भी तो राजपूत हैं, हमारे पेशाब से गंठा पैदा होता है। जरा हौस में आके बात कर। तो महाराज, हाँ? चलो छोड़ो, मैं लड़की की सलाह लूंगा, जब आपसे बताऊंगा। चाहे तेरी लड़की राजी हो, अच्छा, चाहे नाराज हो, हाँ, यो काम एक घंटे में करना पड़ेगा। अच्छा जाइए। ठीक है जी। हाँ, ना करया थे जन्म बच्चा को लू मगर। ठीक है। हाँ, एक काम करिए महाराज। हाँ, चुच्ची चुच्ची छोड़ दिए, पीका नाटका फूट जावांगे। यार बड़ा अजीब बात। अच्छा जी, जा रहा हूँ, जल्दी करो जाओ। ठीक है। आया छोरी खंडेरावपुरी। पिताजी। हाँ, क्या मतलब है? क्या है? तने नहीं बेरा मतलब का? मेरे को नहीं पता। अच्छा जी, मेरे सारे की तने सारा बेरा से।
मने कोने मेरा किस बात का? तेरे ईशा मारूंगा, याद रखेगी तू? कुछ बात भी होगी, पाछा पैसा मारूंगा, नुकसानी तू करा रमा तक कुछ भी नुकसान। मेरी बात सुने, तू तो हुए लाल हो रहा, मन में मेरा किसी बात का? ठीक हो रहा हूँ लाल, तू कितने उस राजा का छोरा ने देख ली जमाई? कौन राजा, कौन राजा का जमाई? मैं नहीं जानती किसी को। जानती भी नहीं? मैं ना जानती। अच्छा, ओ नू के है राजा, कहता अपनी लड़की ने मेरे दामाद का ब्याह थे ना ते? नहीं था जन बच्चा को लू मैं पीड़ा जागा। मेरी तो साफ कार से कुंबे का भी काल से। मेरी बात सुन, मैं नहीं करवाऊंगी ये शादी। और नहीं करवाती, और मेरे सवाले की गौशाला में छोड़ दूंगा तेने। मैं नहीं, एक काम करे, मेरी बात सुनो। मैं राजा के दामाद से मिलना चाहती हूँ। जी हाँ, एक मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। एक लिया जाऊंगी, एक लिया राजा का जमाई से ऊत के तेरा माथे में ईट मारेगा, गरा लो उलू आनो का है। जा, मैं जरूर जाऊंगी, मार झूठ लूंगी उससे। जा तू। अच्छा जी हाँ, जा। पिताजी नमस्कार। नमस्कार पिताजी। हाँ, मुझे किस लिए बुलाया? बेटी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम है खंडेराव प्री। हो हो, आप नथुराव राजपूत की लड़की है? क्यों नहीं पिताजी। बेटी जी, आपको इसलिए दरबार में बुलवाया गया है। किस लिए? जिसने तमाम शहर की बीमारी को दूर कर दिया। ए बेटा, हाँ, मेरे दामाद के साथ आपने शादी करनी होगी। मैं आपकी बात मान सकती हूँ, लेकिन पहले मैं आपके दामाद से मिलना चाहती हूँ। ओहो ठीक है, मैं अपने दामाद को अभी अभी बुलवाता हूँ। बुलाइए उसे। बेटा वीर विक्रमाजीत। हाँ पिताजी। आइए काले वाले। मेरे साले की पहले फार्म भरवा रही थी बेटा। हाँ पिताजी। आप जानते हैं इनको? हाँ मैं जानता हूँ, ये खांडेराव परी है। ये वही खांडेराव परी है। हाँ, लेकिन आप मेरे साथ ये भी अपने विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं शादी करवाना चाहता हूँ आपके साथ। मेरे साथ शादी ऐसी कर ली जैसे चने चबा लिए पत्थर के 2 किलो। मैं तय लोहे के भी तो फाड़े कर दूंगा तेरे बदले में। मेरी 16 साल तक वो आपको पुकानी होगी, और मेरी बात सुनिए। तेरे बदले में मैं लोहे के चने भी चबा लूंगा। लोहे के चने चबा लोगे? हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, फिर सुनाओ। सर सुनो मेरी, दारू पी
डाली जेब टटे उड़ूना में फिर सांडनी जंगल के माँ गली नकेली नहीं से मैं तो फिर सांडनी जंगल में मेरे गली नकेली नहीं से सोला शर्त पुगानी होगी फांसी खेली नहीं से मेरी गेला मेरे कैसा इस दुनिया में जिगर सांप का कोन्या न्याय नीति न जानू सो मेरे लेस पाप का कोन्या गंधर्व किन्नर सख्त सखेली नहीं से सोला शर्ते पुगानी होगी फांसी खेली नहीं से मेरी गेला दिन में ते तेरा आऊंगी कते काली रात करूं को शादी कर लूंगी जरूर मैं ठीक है लेकिन मैं आपके पास आऊंगी सिर्फ एक घंटा वो भी दिन में ठीक है मंजूर है मेरे। मंजूर है ना ठीक है मैं आपसे पहले कभी बात नहीं करूंगी ये भी मंजूर है ठीक है ना ठीक है ए किस्ते के जूं हो रे कोने ने सुने मैं तो मुहे के गड़ला मेरे माता पिता ने मलम से रामे नजरे बाजे प्यादी बोला यो नहीं डूब खा मैं फेल नहीं
ल्यावण का से भी जगतान छोड़ना है ईब का जो ना बोले वो ये बात के ओए अपनी बहू का बेटा अपनी बहू का बेटा हाँ अच्छा किसी का बेटा बहू ना हो वो मेरा बोलो बोलिए सरदार करके गौ माता की जय सरदार करके गौ माता की जय सरदार
प्रेमी सज्जनों के सामने सांग पेश किया जाता है खांडेराव पुरी विक्रमाजीत। उज्जैन शहर के अंदर महाराज कंदरप सेन राज्य किया करते थे, जिनके यहां दो लड़के थे, बड़े का नाम भर्तृ और छोटे का नाम विक्रमा। जिस वक्त विक्रमा जोग ले लेते हैं, भर्तृ हरि ने जोग ले लिया और विक्रमा जब राजगद्दी को संभालते तो चार वीर जीत लिए जाते हैं, ताल बेताल यशपाल और महिपाल, चार वीर जीतने से विक्रमाजीत नाम पड़ा। तो एक बार कुछ एक हंसों की लड़ाई मानसरोवर ताल से हो जाती है। उन हंसों ने जब यह सुना, वरुण देवता ने कहा कि तुम मेरे अंदर रहते हो, मेरे अंदर खाते पीते हो और मेरे ही अंदर टट्टी पेशाब करते, जाइए तुम्हारे को 12 साल का दिसोटा दे। अपना दिसोटा पूर्ण करने के लिए राजा वीर विक्रमाजीत के भागों में आ जाते हैं। माली से मुलाकात हुई, माली के सामने प्रार्थना की, श्रीमान जी नमस्कार। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने कहा महाराज नमस्कार। नमस्कार, कौन हो भाई? हम हैं हंस। कहाँ से आए हो? हम मानसरोवर ताल से आए। फिर आपका मतलब क्या है? वरुण देवता ने हमें अनबिन मोती देना बंद कर दिया। अच्छा। और 12 साल का दिसोटा दिया है। भीड़ पड़ी में आपकी शरण में आए हैं महाराज। भाई साहब, आप ये समझते होंगे के इस बागीचे के मालिक हम हैं। और कौन है? मैं नहीं हूँ। और कौन है? महाराज वीर विक्रमाजीत है। तो आप कौन हो? मैं तो बथुआ पहाड़ हूँ। देखिए भाई साहब, आप एक काम करो, आपके महाराज से हमें मिलवा दो। अच्छा, आप एक काम करो। क्या? आप यहाँ रुको, मैं महाराज के पास जाता हूँ। ठीक है, ऑर्डर लेके आता हूँ, जब आपको ले जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ। यहाँ बैठ जाओ। महाराज राम राम। अरे मारी। हाँ महाराज। कैसे आए? महाराज हमारे बगीचे में मारे हम दौड़े दौड़े है। दौड़े दौड़े? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दौड़े दौड़े हंस है। हंस हंस? हाँ, हमारे बगीचे में रुकना चाहते हैं। आपके पास रुकना चाहते हैं? हाँ। तो ले आओ उनको आपके पास। ले आओ। यहाँ ले आओ। अच्छा, दरबार के अंदर। ठीक है। अरे क्या बात है, आप कैसे बोलते हो? जानवर कहते हैं और हम जानवर भी नहीं, हंस है। हंस? हमें प्यार से बोलो, अदब से बोलो। अच्छा जी, आपके महाराज ने हमें बुलाया। बुलाए तो चलिए। चलो चलो जी। महाराज नमस्कार। महाराज नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार महाराज, हम हंस है। हंस? हम मानसरोवर ताल से आए हैं। अच्छा भाई, वरुण देवता ने हमें अनबिन मुक्ति देना बंद कर दिया। ठीक है, 12 साल का तो छोटा दे दिया महाराज। अच्छा, भीड़ पड़ी में आपकी शरण में आए हैं महाराज। और महाराज हम आपके पास रुकना चाहते हैं। भाई मैं तो इतना बड़ा तो राजा नहीं हूँ, मेरी शरण में कैसे आए हो? देखिए महाराज, आप डटो या ना डटो, हमारी दुख की दो बात सुन लो। दुख की बात? दुख क्या है तुम्हें? हमारी बात सुन, एक बार बोलिए आप। रस एरम टाराले छतरी नाटी मतना
साल और 11 महीने व्यतीत हो जाते हैं। जब एक महीना बाकी रहा तो राजा वीर विक्रमाजीत के पास जाकर के और प्रार्थना करते हैं। महाराज नमस्कार। नमस्कार महाराज। नमस्कार। आओ अंशो। महाराज कैसे आए हो? महाराज हमें आपके पास रहते हुए 11 साल और 11 महीने हो चुके हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब हम अपने वतन को जाना चाहते हैं महाराज।
अरे तुम्हारे बिना हमारा दिल कैसे लगेगा? कोई बात नहीं महाराज, फिर आ जाएंगे फागुन के महीने में। देखिए महाराज, एक महीना बकाया है हमें चलते चलते वो जगह। आपकी कुछ बड़ाई भी करना चाहते हैं? क्या सुनाइए आप। ओ वीर विक्रमा तू भी मारे, ओ रमान सरोवर कैसा था बातेगा।
भाई। अभी हमारी आखिरी नमस्कार है महाराज, हम तो रहे तो है, फिर कभी नहीं मिलोगे। अब हम आकाश में उड़ जाएंगे। चलो जाइए आप। अरे मूर्खो। हाँ महाराज। क्या कहते हुए जा रहे थे तुम लोग? राजा वीर विक्रमाजीत विश्व बीस जो कि मृत्यु लोक के रहने वाले हैं। जो मृत्यु लोक के रहने वाले वो विश्व बीस के नाम से पुकारे जाते हैं क्या? देखिए महाराज, विश्व बीस के नाम से पुकारे तो नहीं जाते, लेकिन हम उनके बराबर मानते हैं। क्या जानते हैं विश्व बीस किसको कहते हैं? हाँ, विश्व बीस जानते हैं, उनको बड़े से बड़ा मानते हैं, लेकिन हमारे से ये बातें पूछने वाले आप हो कौन? तुम्हारे को पता नहीं है? नहीं महाराज, मैं तमाम देवताओं का राजा हूँ, मेरा नाम इंद्र है। आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। हाँ पूछिए, हम जवाब देंगे। क्या आप विश्व बीस के बारे में बताएंगे? जानते हैं और बड़ा से बड़ा मानते भी हैं। एक एक होता है ओम, दो दो जमीन आसमान, तीन तीन लोक, चार चार वेद, पांच पांच तत्व, छह छह शास्त्र, सात सात दीप, आठ आठ वसु, नौ नौ खंड, दस दस इंद्री, ग्यारह ग्यारह रुद्र, बारह बारह सूर्य, तेरह तेरह रतन, चौदह चौदह भवन, पंद्रह पंद्रह तिथि, सोलह सोलह सिंगार, सत्रह सत्रह विषय, अठारह अठारह पुराण, उन्नीस उन्नीस उपनिषद और बीस बीसवे नाम भगवान जिनकी चार चार कलाएं होती हैं। तो ठीक है, अभी किस दाल रोटी हो हमारा? हाँ, ये तुम्हारा मालिक हंस लगता है। हंस, मैं तुम्हारे एक हंसनी को पकड़ता हूँ। इसने रखो से इसका दाल रोटी लाकर खावा महाराज। हम तो ठीक है, जो ऐसा विश्व बीस होगा तुम्हारी हंसनी को ले जाएगा। तुम लोग भाई जाओ यहाँ से। आए महाराज, छोड़ दे, चुप कर जाओ। इसको छोड़ दो महाराज। नहीं नहीं, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। इन्ना मैं तो रहा, मैं तो पकड़ ले। नहीं नहीं, हमारे को भी यही चाहिए। अच्छा हाँ, फिर किसके पास जावा? जो विश्व बीस है वो इस हंसनी को छुटा कर ले जाएगा। तुम लोग भाई जाओ यहाँ से। तो प्रेमी सुनो, इंद्र महाराज ने हंसनी को पकड़ लिया। तुम्हें हंस रोते बिलखते हुए राजा वीर विक्रमाजीत के पास पहुंचते हैं। दो आयो महाराज की, त्री आयो, चौथाई हो, छमाई हो महाराज की। अरे हंसो महाराज, ऐसे कैसे बोलते हो यार? महाराज, हम आपकी उपमा बढ़ाई करते हुए जा रहे थे इंद्र महाराज के। आप तो आप अभी गए थे यहाँ से? हाँ जी, इंद्र महाराज ने हमारी अंशनी खोज ली, वो अंशनी छुटा कर ले आओ। तो भाई ठीक है। हाँ। आपकी अंशनी हाँ। मिल गई तो मैं उस जैन शहर में शिकल दिखाऊंगा। हाँ। नहीं तो मैं तुम्हारे को शिकल नहीं दिखाऊंगा। महाराज आपके कुछ नेम टेम है? मेरे नेम टेम सुनो आप।
उसकी भी सो चुना बात है उगाई रे बड़ी पतली रे मोटी डुगारे और कंबड़े के लंगोटी रे दूंगा ओ भूखे मेरे दो रोटी दूंगा दियूं नारी तने रे 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 रे
शहर में आ जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे को शिकल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है महाराज। तो प्रेमी सुनो, वो राजा वीर विक्रमाजीत उन हंसों से वायदा करके और वहां से चल देते हैं। चलते हुए कहा, एक तामोल नगरी में पहुंच जाते हैं। एक सराय के सामने गए तो क्या देखते हैं, एक भटियारी अपने बेटे ने नुहान लाग रही और उसके साथ साथ रोन लाग रही। तो वीर विक्रमाजीत उस आवाज को सुनते हैं और क्या बातचीत होती है। हाँ माता जी, नमस्कार। नमस्कार बेटा। बेटा कुछ खाना हो खा ले। ठीक है। पीना हो पी ले बेटा, नहाना हो नहा ले, फिर तुझे किले की भेंट में जाना है मेरे बेटा। ठीक है। और मेरी बात सुनिए। ठीक है माता जी। और पकड़ पाड़ जा, और रोवन लागी बेटे की कोड़ी भर के, और आज कबर तने जाना होगा धर्मराज अपने महेश्वर के। Yeah.
का बन के सुआ पढ़ा दू मैं तो आड़ी हो जाने। और भाई चारी ते मेल करू ते रेनु त्याड़ी हो जागे। और जे होते तेरे ब्याह सगाई मैं पोते आड़ी हो जागे। चालती बंटा टोकनी सर धर के साथी है। नहीं 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 भाई, इसकी शादी नहीं इसकी बर्बादी है मेरे भाई। और क्या है ये रोने का कारण क्या है भाई? इस रोने का कारण बहुत टेढ़ा है। ये तामोल नगरी है। अच्छा, यहाँ की राजा श्याम धाम है। ठीक है, उनकी एक लड़की है। अच्छा, उस लड़की के पेट में सांप है भाई। ठीक है, राजा ने शहर से बाहर एक किला बनवा रखा। अच्छा, और उस लड़की को उस किले में रखवा रखा है। अच्छा, अब वो रोजाना महाराज, ऐसी क्या बात है उस लड़की के अंदर? राजा श्याम धाम रोजाना एक आदमी शहर से लेते हैं और किले में फिट करवाते हैं। वो रोजाना एक भेंट देते हैं भाई। 12 साल पहले मेरे बेटे के बाप का नंबर था और 12 साल के बाद में आज इसका नंबर है। मेरे पास यही है भाई। अब है मेरी बात सुन। सुनाइए भाई। ए तू रोवने वाली क्यों रोवे? के विपता पड़गी तेरे में गहरा के
आलम बदमाश तेरा कार्य तो नहीं हुआ है? ना 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 भाई, कुछ नहीं हुआ। कहीं से कोई चिट्ठी आई हो? ये बताइए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिम्मेदार आदमी नहीं है घर में? भाई बताई, जितनी तुमने बीमारी बताई ना, हाँ, और जितनी तकलीफ बताई, हाँ, इन में से एक भी कोना इन बीमारियों की दुखिया नहीं है तू? ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। सुबक सुबक कहे क्यों रोवे के सर पे खसम गुसाई ना Thank you.
है भाई। बेबे मोटी ही बात बताऊ, गोज में तर प्रिय हो और नीच साफ हो, आदमी बाण कितने बना ले कोडर बना ले कोडर नहीं मारे। भाई मेरा पूरे संसार में एक तू ही भाई है। बहन मैंने तेरे को धर्म की बहन स्वीकार किया है, सच्चाई कह देने में कोई दोष नहीं हुआ करता। अब तू क्या करेगा? मेरी बात सुनिए, सच्ची सच्ची कह दे छोरी काम नहीं सरमाने का, ये सारा दे दे बता दूं छोरी मैं मान से थोड़ी ठिकाने का। सच्ची सच्ची कह दे छोरी काम नहीं सरमाने का, एक डर के बदला सिर कटवा लूं मैं सुमन से ठिकाने का। खोल कभेद बता देने के पाप मर्या से ये याने का। फिर सांग सीख लिया ए, 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 मोटर चलाई मेरी फिर सांग सीख लिया। हाँ बहन, जो भी तन्ने जितनी बात कही हाँ, में एक भी तकलीफ मेरे को ना, एक भी तकलीफ नहीं है। नहीं और क्या तकलीफ है भाई? इसको देखता है तू? हाँ, ये मेरा बेटा है, ये आपका पुत्र है और ये दामोल नगरी है। अच्छा, यहाँ के राजा श्याम धाम है। अच्छा, उनके यहाँ एक लड़की है। एक लड़की है? उस लड़की के पेट में सांप है। हाय, छोरी और छोरी के पेट में सांप? हाँ भाई। अरे छोरी सके वो नाक की बूंदी है भाई। हाँ, जब छोटी सी थी ना। अच्छा, पानी के या दूध के जरिए वो किसी कारण हाँ, किसी कारण से वो पेट में चला गया। हाँ भाई, वो लाइलाज होगी। अच्छा, इब शहर में तेरो जाना वो सांप एक भेट ले से। अच्छा भाई, 12 साल पहले में इसका बाप गया तारीफ, आज इसका नंबर है भाई मेरा थेकला है। ए छोरी बेबे रोवा मत, अपने छोरे ने सुतरी त्रिया नुआ धुआ खुआर सुहा दे। उस राजा की कोई शर्त भी है? सूखा है मन शरत है भाई। के शर्त? जब उस छोरी की बीमारी न कटे हाँ, आधा राज और उस छोरी का डोला। एक बात समय बे हाँ, राजा की शर्त बहुत बटिया। बेबे एक काम करे, ले मेरी बात सुने, पहले तो तुमने रोटी खुआ। अच्छा, और तने जितनी बढ़िया बात बताऊंगा सुनेगी जानते? हाँ बिल्कुल। मैं क्या करूंगा अपनी बहन के लिए? आए वह छोरी की शिक्षक है। वह छोरी? हाँ छोरी मैं बताऊंगा। अच्छा हाँ, इस ताऊ ने देख ले रू छोरी ने देख ले। फिर तो खाम खाई जूती तोड़वानी है ना? ना रे भाई, जीव छोटी सी देखी थी मन जीवते थी वह सुतरी। अच्छा, और इब शायद जहर के नशे में काली भी हो रही। अच्छा, फिर वो अपने घर आकर मुझसे ही कर लेने, उन्हें लिरिल सा बर्तन आऊंगे अपने आप ही नहीं धोनी निकल जाएगी। तो बहन सुनिए मेरी बात, मैं तेरे लिए क्या करूं? ये करेगा मेरी खातर लबता। ए मां तेरे बेटे की ए जान बचा दूं, मेरा धर्म का भाई मेरा मामा।
बाबा। सुन ले ए बेबे, हाँ तू तो चाहे भाई लाख बको, हाँ पर ये इसकी वार नहीं खटाओगी जो इसने कही है। ना रे भाई, हाँ माँ का भाई मामा हो से ते मेरा छोरा नेक सिर बोला। ना बेबे सारी आन मैं नहीं करा रही, आदमी पर फूफा भी करनी चाहिए। फूफा भी? हाँ तो करवाओगे जरूर। जरूर ले बेटे एक बार ना फूफा कह दे। ना ब्रह्मा मन ने नहीं बेरा फूफा के हो से। अरे फुफरी का दो हो से। ठीक से बेबे, ठीक से सारी बात कह देगा, पहले इसकी जान तो बचा तू। नहीं सुनता जान बचा दू ए नाम रहे जा तेरा है।